भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब एक सामान्य शीर्षक के साथ हमें उस एक बड़े आशय को समझा रहे हैं, जिसमें बाबा साहेब कहते हैं कि शब्दों की समानता होने के बावजूद, यानी कि शब्द साम्यता होने के बावजूद, उसके जो तात्विक अर्थ होते हैं वो कितने भिन्न होते हैं। तो वही भेद इस समय बाबा साहेब समझा रहे हैं। और हमने पिछली कड़ियों में देखा कि बाबा साहेब पुनर्जन्म की बात समझा रहे हैं। पुनर्जन्म लगभग सभी विचारधाराओं में जो धर्म के साथ आगे बढ़ती है उसमें पुनर्जन्म पर चर्चाएं तो होती ही है, लेकिन बुद्धिज्म पुनर्जन्म को कैसे स्वीकारता है और तथागत इस बात पर कैसे जागरण करते हैं और क्या शिक्षाएं देते हैं, ये बाबा साहेब ने इस अध्याय में इसकी चर्चा की है। आपको हम ये भी याद दिलाते चलें कि बाबा साहेब ने ये कहा, हमने पिछली कड़ी में देखा कि पुनर्जन्म को समझने के लिए हमने इस विषय को दो भागों में बांट देना चाहिए। तो पहला भाग जो हमने पिछली कड़ी में देखा वो था कि किस चीज का पुनर्जन्म। अभी इस भाग में देखते हैं कि किस व्यक्ति का पुनर्जन्म। अब ये भी प्रश्न लोगों के मन में रहता है, जहां तहां कई बार ऐसे खबरें अखबारों में छप जाती है जिसकी कोई पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये खबरें छपती जरूर है और कहते हैं कि भाई लोग ऐसा मान रहे हैं, और खबरें ऐसी होती है कि भाई इसका पुनर्जन्म हो गया। तो ये जो पुनर्जन्म है ये क्या चीज है, तो बाबा साहेब ने जो बात समझाई वो हमने पिछली कड़ी में देखी कि किस चीज का पुनर्जन्म। तो चीज का मतलब भौतिक चीजें जो है, भौतिक वस्तुएं जो है, जो भौतिक तत्व है हमारे शरीर में, ये मृत्यु के साथ यहां इस तरलता में जितने भी उसके जैसे तत्व है उनमें वो मिक्स हो जाते हैं, उनमें वो मिल जाते हैं, जिनमें वो घुलनशील होते हैं, जिनमें विघटन होता, जिन विघटन होकर जिनमें घुलनशील होते हैं उसमें वे घुल मिल जाते हैं और नई नई चीजों का जन्म होता है। पुनर्जन्म से तथागत का तात्पर्य यही है भौतिक चीजों के। अब जो दूसरी बात आती है कि किस व्यक्ति का पुनर्जन्म, तो इस बात को बाबा साहेब समझा रहे हैं। बाबा साहेब लिखते हैं, यह सबसे कठिन प्रश्न है, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। उन्होंने भी प्रश्न के रूप में लिखे हैं। फिर बाबा साहेब लिखते हैं, क्या वो ही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है जैसा कि लोग कह देते हैं। फिर बाबा साहेब पूछते हैं कि क्या तथागत बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे, तो इसका उत्तर है, बाबा साहेब तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर इसका उत्तर देते हैं और वे कहते हैं कि इसकी कम से कम संभावना है। स्पष्ट रूप से तत्वों के पुनर्जन्म की बात, भौतिक तत्वों के पुनर्जन्म की बात जिसका उत्तर तथागत हां में देते हैं, लेकिन किस व्यक्ति का पुनर्जन्म, इस पर इसकी कम से कम संभावना है ये तथागत कहते हैं। बाबा साहेब इसका विश्लेषण करते हैं आगे। बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि मृत आदमी के देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, तभी यह मानना संभव है कि उसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ। ये जो मरा हुआ आदमी है, जो इस वक्त मरा, इसके जो जितने सारे भौतिक तत्व जो पृथक पृथक हो गए, जिनका विघटन हो गया, और विघटन होने के बाद फिर वही के वही सभी तत्व इकट्ठे होते हैं, तो ही इसकी संभावना मानी जा सकती है कि उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन यह बड़ी कठिन प्रक्रिया है।
यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बन भी जाए तो ये पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन उसी आदमी का इसे पुनर्जन्म नहीं कह सकते। अन्य अन्य मृत शरीरों से जो भौतिक तत्व भौतिकांश अलग हुए हैं, वही अगर इकट्ठे हो जाते हैं अलग अलग लोगों के, किसी एक मृत शरीर से दूसरा, किसी दूसरे मृत शरीर से तीसरा, तीसरे मृत शरीर से कोई और एक, इस तरह से अगर अलग अलग मृत शरीरों से मिलकर अगर कोई एक शरीर बन जाए तो इसे उसी शरीर का जो मर गया उसी शरीर का पुनर्जन्म तो नहीं माना जाएगा। बाबा साहब लिखते हैं कि भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसेनजीत को यह बात बड़ी अच्छी तरह से समझा दी। भिक्षुणी खेमा ये तथागत की शिष्या थी और भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसेनजीत के साथ जो उनकी चर्चा हुई तो उसका ये प्रसंग यहां पर लिखे हैं बाबा साहब ने। बाबा साहब कहते हैं कि भिक्षुणी खेमा ने उन्हें ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझा दी है। एक बार की बात है जब तथागत श्रावस्ती के पास अनाथ पिंडक के जेतवना राम में ठहरे हुए थे। अब वह उस समय कौशल जनपद में चारिका कर चुकने के बाद भिक्षुणी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरणवत्थु नामक स्थल में ठहरी हुई थी। तथागत ठहरे हुए थे अनाथ पिंड के जेतवनाराम में और भिक्षुणी खेमा ठहरी हुई थी साकेत, श्रावस्ती और साकेत के बीच दो जो तोरणवत्थु नामक स्थल है वहां पर वो ठहरी हुई थी। और उस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत साकेत से श्रावस्ती आ रहे थे। प्रसेनजीत भी साकेत से आ रहे थे, साकेत मतलब जिसे आज लोग अयोध्या के रूप में जानते हैं, तो वहीं से साकेत से वे आ रहे थे और वे श्रावस्ती की ओर आ रहे थे। तो साकेत राजा प्रसेनजीत का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है उनके वक्त में, उनके शासनकाल में। तो प्रसेनजीत आ रहे थे इधर श्रावस्ती की ओर और उस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत को रास्ते में रुकना पड़ा तो वे तोरणवत्थु में रुक गए। तो कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत ने एक आदमी को बुलाकर पूछा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण ब्राह्मण का पता लगा कि जिसके हम आज के दिन संगीति कर सके? संगीति का मतलब हुआ धम्म चर्चा, मतलब धम्म पर वार्तालाप। तो उन्होंने एक आदमी को बुलाया और उससे पूछा कि अरे क्यों भाई, आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि यहाँ आसपास कोई श्रमण जिनसे हम बातचीत कर सकें, जिनसे धम्म चर्चा कर सकें, जिनसे कुछ नैतिकता की बात सीख समझ सके और आपस में इन चीजों को बांट सके, ऐसे कोई है? तो उसने कहा, महाराज बहुत अच्छा। उस आदमी ने कहा, वह सारी तोरणवत्थु में घुमा किंतु उसे एक भी श्रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसकी महाराज संगति कर सके। उसने कहा कि भाई महाराज, मुझे ऐसा तो कोई आदमी नहीं मिला, कोई श्रमण भी नहीं मिला, कोई ब्राह्मण भी नहीं मिला कि जिससे आप बातचीत कर सके, लेकिन भिक्षुणी खेमा को मैंने देखा जो तोरणवत्थु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह कौशल नरेश प्रसेनजीत के पास वापस गया और फिर कहा, फिर वो बाहर घूमने आया, फिर उसने ढूंढा, फिर देखा तो उसे भिक्षुणी खेमा दिखी तोरणवत्थु में। तो वे फिर लौटकर राजा प्रसेनजीत के पास गया और उनसे कहने लगा कि महाराज, तोरणवत्थु में कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण तो नहीं है जिसकी आप संगति कर सकें, लेकिन महाराज भिक्षुणी खेमा नाम की तथागत की एक शिष्या है जिसका नाम भिक्षुणी खेमा है और वो तथागत की शिष्या है। उसकी ख्याति सुनी है कि वह अर्हत है, योग्य है, कुशल है, पंडित है, बातचीत में पटु है और प्रत्युत्पन्न मति है। महाराज आज दिन आप उनकी संगति करें, उनसे धम्म चर्चा करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत भिक्षुणी खेमा के पास गए और उनके पास जाकर उनको अभिवादन किया और एक और बैठ गए। बैठकर उन्होंने भिक्षुणी खेमा से पूछा, उनका प्रश्न देखिएगा, राजा प्रसेनजीत का भिक्षुणी खेमा से ये प्रश्न है, आपका इस विषय में क्या कहना है कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं, मतलब
मृत्यु के बाद तथागत रहते भी है या नहीं, रहते हैं? ये प्रश्न है उनका भिक्षुणी खेमा से। तो भिक्षुणी खेमा कहती है, महाराज ये बात भी तथागत द्वारा अव्याकृत रखी गई है। ये वैसे संवाद एक बहुत बड़ा संवाद है, बौद्ध साहित्य में ये मिलता है। बाबा साहेब ने अपनी इस बात से जुड़ी हुई, मतलब पुनर्जन्म की इस बात को समझाती हुई कि किस व्यक्ति का पुनर्जन्म, इस बात को समझाती हुई इस छोटी सी जो उनकी वार्ता है, उनका जो वार्तालाप है, उसे बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। तो यहीं से ये शुरू होता है, बहुत पहले से बातचीत चली आ रही है। और भिक्षुणी खेमा कहती है कि महाराज तथागत ने ये बात भी अव्याकृत रखी, मतलब इस पर कुछ नहीं कहा कि वे मृत्यु के पश्चात रहते भी है या नहीं। तो महाराज प्रसेनजीत कहते हैं, ये कैसी बात है, जब भी मैं पूछता हूं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं तो आपका उत्तर होता है कि ये बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है, और जब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं तब भी आपका यही उत्तर होता है कि ये बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपया बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने ये सब ये बात अव्याकृत रखी है। क्योंकि राजा प्रसेनजीत बड़े परेशान हो गए, क्योंकि वे इससे संबंधित जो जो बात भिक्षुणी खेमा से पूछ रहे थे, तो वो बार बार यही कहती थी कि महाराज तथागत ने तो इस बात को भी अव्याकृत रखा है। तो इसलिए अब महाराज परेशान हो गए कि भाई तथागत ने ये सब अव्याकृत क्यों रखा है, क्या आप बता सकते हैं, बताइएगा कि तथागत ने ये बात क्यों नहीं बताई, इसको क्यों उन्होंने व्यक्त नहीं किया, इसे अव्याकृत क्यों रखा। तो वो कहती है भिक्षुणी खेमा, महाराज अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं। भिक्षुणी खेमा ने महाराज प्रसेनजीत से उनके प्रश्न के उत्तर में एक दूसरा प्रश्न पूछा, प्रति प्रश्न, और कहा कि भाई अब आप मुझे ये बताएं, फिर मैं आपको वो बता सकती हूं कि तथागत ने इन सारे प्रश्नों को अव्याकृत क्यों रखा है। तो भिक्षुणी खेमा की ये बात प्रसेनजीत के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये वक्त यहाँ पूरा होता है, हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम भिक्षुणी खेमा और राजा प्रसेनजीत इनके इस पुनर्जन्म से संबंधित संवाद में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।